राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हम निकल चुके हैं बाबा दीप करौली के दर्शन करने के लिए कैंची धाम। हमारा मेन पर्पस नैनीताल आने का यही था कि हमें बाबा दीप करौली के दर्शन करने थे, इसलिए हम आज सुबह ही सुबह निकल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने नैनी लेक के व्यू वाला ही रूम लिया था, इसलिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा कैंची धाम पहुँचने में। हम लोग कैंची धाम पहुंचने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर हमें दूर से ही दिखाई देने लगा है, क्योंकि ये वैली में है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतनी हरियाली थी और चारों तरफ बहुत ही शांति थी। अब हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम और ये है मंदिर का पहला एंट्री गेट, जो कि बिल्कुल सड़क के किनारे पर बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं मेन गेट की तरफ मंदिर में दर्शन करने के लिए। पर वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर फोटो और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने अपना फ़ोन पहले ही अंदर रख लिया। लेकिन जितना भी हमने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। फिर मिलते हैं हम दर्शन करने के बाद। हमने अंदर बहुत अच्छी तरह हमने दर्शन करे, थोड़ी देर हम लोग बैठे, हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उसके बाद वहाँ पर प्रसाद मिल रहा था, हमने प्रसाद भी लिया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। अंदर एक वैष्णो माता का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है और बाबा नीम करौली की बहुत ही प्यारी प्रतिमाएँ। तो एक बाबा नीम करौली का मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन ही नहीं हो रहा था मंदिर से बाहर आने का, लेकिन हम थोड़ा लेट हो रहे थे इसलिए हम लोगों को आना पड़ा बाहर। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आगे नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको अपना नैनीताल का आगे का सफ़र दिखाएंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।